जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आपको पता है जब भी हमारी लाइफ में कोई चेंज आने वाला होता है तो गुरुजी हमारा हाथ पकड़ ही लेते हैं ताकि गुरुजी हमारे साथ अंग संग रह सके। इसी पर आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम ज्योति है और मैं दिल्ली से हूँ। आज गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 जुलाई अगस्त में शुरू हुई। उससे पहले 16 अप्रैल 2023 को मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर छतरपुर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन तब शायद पूरी तरह से मैं गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाई थी। उसके बाद शायद जुलाई एंड या अगस्त स्टार्टिंग में मुझे YouTube पर गुरु जी के सत्संग फ्लैश होने शुरू हो गए और मुझे उनके मैसेजेस भी फ्लैश होने स्टार्ट हो गए। वो कहते हैं कि जब आपको लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव आने वाला होता है तभी गुरु जी आपको खुद अपने साथ जोड़ लेते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे, मानो जिंदगी बस कट ही रही थी। किंतु जब से मैंने गुरु जी के सत्संग सुनने शुरू किए तब से मेरे मन में एक सुकून सा आने लग गया। मैं धीरे धीरे गुरु जी की ओर खींची चली गई। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। मन में सब्र का आ जाना ही मेरा बहुत बड़ा सत्संग है। मन धीरे धीरे निश्चित सा होता गया कि गुरु जी सब ठीक कर देंगे। मुझे गुरु जी ने बहुत बार तितली कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। सितंबर 2023 को मुझे रोटी में ओम के दर्शन भी हुए हैं। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। गुरु जी की कृपा से मैं दिन में 4-5 सत्संग सुन लेती थी। सत्संग भी ऐसे आते थे मानो गुरु जी मेरी ज़िंदगी की एक एक बात जानते हों। सच में गुरु जी तो जानी जहान है। फिर 25 अक्टूबर 2023 को मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ जिसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकती, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो गुरु जी की ही रहमत और मर्ज़ी से हुआ और वह कदम उठाने के लिए मुझे गुरु जी ने बहुत हिम्मत प्रदान की। 25 अक्टूबर यानी 7 नंबर गुरु जी की ब्लेसिंग वाला दिन। ठीक उसी दिन मुझे मेरी बहन द्वारा गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला। 5 नवंबर 2023 को मुझे डुगरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके मैसेजेस मुझे बहुत समय से आ रहे थे कि डुगरी आने की तैयारी कर, जल्दी ही मैं तुझे डुगरी बुलाऊंगा। गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए तो बहुत कुछ है, सच कहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताने के लिए। गुरु जी का हर रोज़ ही सत्संग है। अब मैं आपको अपना एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, गुरु जी मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते ही रहते हैं और ये मेरा सत्संग भी 25 तारीख का ही है और इसे भी 2+5=7 मतलब 7 नंबर की ब्लेसिंग का दिन है। कल हमने गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया था, बट 24 को मेरे भाई ने मना कर दिया जाने से, क्योंकि वो काम से निकल नहीं पा रहा था। बट मेरा बहुत मन था 25 को ही जाने का और मैं इस प्लान को डिले नहीं करना चाहती थी। तो मैं मेरी बेटी और अपनी मम्मी के साथ पहली बार कैब करके बड़े मंदिर जाने का सोचा। पहली बार कैब से इतनी दूर जाना था, थोड़ा डर भी लग रहा था, बट गुरु जी का बुलावा था तो हिम्मत अपने आप आ गई। रास्ते में मुझे बहुत कार्स दिखी जिनका नंबर 777 था, तो उस दिन मुझे गुरु जी की 777 की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। दिन के टाइम में निकले थे तो बहुत गर्मी थी। मंदिर पहुंचने के बाद गुरु जी के दरबार के बाहर जहां संगत बैठी है वहां मेरी बेटी बोली कि मम्मा गर्मी लग रही है। तो संगत जी, गुरु जी ने जहाँ हमें बिठाया वहीं लेफ्ट हैंड पे एक छोटा कूलर लगा हुआ था। तो मैंने अपनी 3.5 साल की बेटी को बोला कि देखा
गुरुजी को पता था कि आपको गर्मी लग रही है, तो गुरुजी ने ठीक कूलर के सामने बिठा दिया। फिर वहां सेवादार अंकल ने कहा कि जिनको दर्शन करते हुए लंगर हॉल में जाना है वो संगत खड़ी हो जाए, और जिनको गुरुजी के दरबार में बैठना है वो अभी बैठी रहे। तो मम्मी के मन में भी आया कि दरबार में बैठते हैं, और मेरे मन में भी सेम आया। तो संगत जी, गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली और हमें उस दिन दरबार में बैठने का भी मौका मिला, वो भी बिल्कुल आगे आगे। गुरुजी का इतना डिवाइन दरबार देखा, गुरुजी के स्वरूप को देखकर अपने आप आंखें भर आईं। फिर हमने लंगर प्रसाद भी किया। मैंने उस दिन गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हुआ था, तो जैसे ही मैंने लंगर प्रसाद ग्रहण किया तो मैंने देखा कि गुरुजी का स्वरूप माला में से निकल के वहीं गिरा हुआ था जहां मैं बैठी थी। गुरुजी, एक बार तो मैं डर गई कि स्वरूप खंडित तो नहीं हो गया, पर फिर मैंने सोचा कि शायद गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है। फिर कैब लेकर मैंने उस लॉकेट को वापस माला में डाल दिया, क्योंकि लॉकेट उस होल में से लूज होकर निकल गया था, टूटा नहीं था। साथ में संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स भरा दिन था। मुझे इस साल के सत्संग भी फ्लैश हुआ था कि 7, 16, 25 तारीख हमेशा के लिए ब्लेस कर दी है तुझे। जब हमें गुरु जी को अपने आप से जोड़ना होता है तो गुरु जी हमें अपने गुरु परिवार का हिस्सा बना ही लेते हैं, हमारा हाथ थाम ही लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारी लाइफ में चेंज आता है तो गुरु जी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं ताकि हम संभल सकें, और गुरु जी हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।